नमस्कार। इस कहानी का शीर्षक है सबसे कीमती चीज। एक जाने माने स्पीकर ने हाथ में 500 का नोट लहराते हुए अपने सेमिनार शुरू की। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, ये 500 का नोट कौन लेना चाहता है? हाथ उठना शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। और उसने नोट को अपनी मुट्ठी में चिमोड़ना शुरू कर दिया। और फिर उसने पूछा, कौन है जो अब भी यह नोट लेना चाहता है? अभी भी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। अच्छा, उसने कहा, अगर मैं ये कर दूं? और उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाई, वह बिल्कुल चिमड़ी और गंदी हो गई थी। क्या अभी भी कोई है जो इसे लेना चाहता है? और एक बार फिर हाथ उठने शुरू हो गए। दोस्तों, आप लोगों ने आज एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ किया, पर फिर भी आप इसे लेना चाहते थे, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं, उसका मूल्य अभी भी 500 का ही था। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपके साथ चाहे जो हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल हैं, इस बात को कभी मत भूलिए। कभी भी बीते हुए कल की निराशा को, आने वाले कल के सपनों को बर्बाद मत करने दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो है आपका जीवन।